नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आपका जीवन शुभमय मंगलमय हो। इससे हमने आज का विषय हमने रख रहा हूँ, शुक्र को आपने कैसे मजबूत करना है आपके जीवन में, कैसे लग्जरियस, कैसे लाइफ में सुख संपत्ति ऐसे जो कैसे लाभ होगा, उसी के बारे में हमने बताऊंगा। शुक्र होता है आपका सुख समृद्धि लग्जरियस का एक ग्रह है। जिसके ग्रह में शुक्र मजबूत है उसको लाइफ में बहुत सारा सुख समृद्धि मिल रहा है, धन का अभाव नहीं हो रहा है, लग्जरियस से आपका जीवन बीत रहा है, उससे भी आपका भी धन संपत्ति का कुछ भी अभाव नहीं रहता है। और जो भी शुक्रवार के दिन करेंगे और शुक्र को मजबूत करेंगे, उसका लाइफ जिंगा लाला हो जाता है, उसका लाइफ में भरपूर सुख समृद्धि मिलता है। शुक्र देव का दिन है, शुक्रवार का दिन आपका जो है ये माता लक्ष्मी का दिन है के हिसाब से सबसे जानते हैं। हर आदमी का इच्छा है कि लग्जरियस गाड़ी, बंगला, पैसा, सुखी जीवन, समृद्धि ऐसे सब पाने के लिए हर आदमी का इरादा है। फिर भी किसी ग्रह गोचर के प्रभाव से, शुक्र के दुष्प्रभाव से उसका बहुत सारे आदमी फायदा नहीं उठा पा रहे, तो उसका फायदा उठाने के लिए कुछ ना कुछ आप करना ही पड़ेगा। जो उसको करेंगे आप सही तरीके से करेंगे तो फिर आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। जो हम अभी आपको एक उपाय बताऊंगा, आप उसको सही तरीके से करेंगे तो फिर आपको फायदा मिलेगा। और जो उपाय मैं बोल रहा हूँ, जितना दिन तक करने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे करने के लिए बोल रहा हूँ, आप ऐसे ही कीजिए। क्योंकि बहुत सारे आदमी ये उपाय करते हैं, करने के बाद क्या होता है कि कुछ भी दिन करने से उनका फायदा मिल गया तो उसी उपाय को आधा अधूरा करके छोड़ देते हैं। ऐसे छोड़ने से फिर दोबारा आपको दरिद्रता और शुक्र ग्रह का प्रभाव आपको बुरा नज़र फिर शुरू हो जाता है। मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको, वैसे ही आप उसी दिन और कितना दिन करना चाहिए, किसी समय में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपको बताऊंगा। और आप उसी को फॉलोअप करके आप बनाएंगे तो फिर आपको फायदा मिलेगा। और जो वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ, पूरी तरह से आपने ध्यान से सुनिए, पूरा एंड तक वीडियो को देखिए, उसके बाद उसको आपने काम में लगाएंगे तो फिर आपको फायदा मिलेगा। ये जो उपाय मैं बोल रहा हूँ, ये 11 शुक्रवार आपको करना पड़ेगा। और हर शुक्रवार को आपने नहा धोकर साफ सुथरा कपड़ा पहनकर आपको पहले शिव मंदिर को जाना पड़ेगा। उसके साथ आपने आपका स्टील कटोरी है जो भी आपका, उसमें से दूध लीजिए और थोड़ा सा मिश्री लीजिए, उसको दोनों को मिला के भगवान शिव को आप अर्पण कीजिए। यह हर रोज आपने 11 शुक्रवार ऐसे ही कंटिन्यू अप करना पड़ेगा, बीच में कभी छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ देंगे तो फिर इसको मुसीबत को पड़ जाएंगे। अगर एक ये चीज़ को सही ढंग से आप सही तरीके से आप करेंगे तो फिर आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। उसी के बारे में बहुत सारे आदमी लोग उसको किया है और उसका भी फायदा भी उठाया है।
ये 11 शुक्रवार करेंगे तो आप देखेंगे एक महीना ख़त्म होने के पहले से आपको उसका फ़ायदा शुरू हो जाएगा, फिर भी आप उसको कभी भी आधा अधूरा करके छोड़ेंगे नहीं, उसको एंड तक 11 शुक्रवार हर रोज करना पड़ेगा। शुक्र जो है आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में ये कारक है। अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है तो समझ जाइए कि आपका शुक्र जो है बहुत अच्छा है। शुक्र जो है आपके जीवन में खराब नहीं कर पाएंगे, कभी भी खराब देते नहीं, जो भी देते हैं आपका धन संपत्ति के ऊपर में उसको प्रभाव देता है। और कहीं पर भी आपका खराब हो तो राहु के साथ बुध के साथ में खराब हो रहा है तो ये खराब प्रभाव देगा, उसको आप ठीक करने के लिए पहले ये सब उपाय करेंगे। और बहुत सारे भी उसके ऊपर भी बहुत सारे भी उपाय भी है, आपको 2-3-4 ऐसे ही कुछ टिप्स आपको दूंगा, उसको फॉलोअप करेंगे तो फिर आपको भी फायदा भी मिलेगा। शुक्र के लिए आप सबसे पहले आप क्या करना चाहिए, आपको कुछ आटे का लोई बनाना है, वो आटे के लोई के अंदर में बताशा छुपा कर कुछ 11 दिन समय से जो 11 शुक्रवार बोल में बोल रहा हूँ उसको अपने गाय को खिलाना पड़ेगा, उससे आपका शुक्र समृद्धि का लग्जरी आना शुरू हो जाएगा। और दूसरा चीज है, दूसरा उपाय मैं बोल रहा हूँ, आप हर शुक्रवार को गाय को हरा चारा खिलाइए। जो हरा चारा आपको खिलाना है आपके वजन के हिसाब से आप लीजिए, उसको हर शुक्रवार को आप उसको खिलाना चाहिए। और तीसरा उपाय मैं बोल रहा हूँ, मखाने की माल जो माला है आपको मैं देखा दूंगा, आपको आप देखिए मखाना का माल को जो मखाना का माल बनाते हैं माला, इसे इसको बना के माता लक्ष्मी को अर्पण कीजिए, हर शुक्रवार को ऐसे कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर 11 शुक्रवार आप करने के लिए कोशिश कीजिए। और दूसरा उपाय मैं बोल रहा हूँ, वो चौथा उपाय है, आप के संबल के हिसाब से आपके हिसाब से जो भी है आप गाय को जुवारा खिलाइए। जुवारा जो सफ़ेद कलर का आता है उसको खिलाइए, फिर आप पक्षियों को भी ये जुवारा भी खिलाइए, आपका शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। लास्ट में और एक महा उपाय मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत सक्सेसफुल उपाय है, बहुत पावरफुल उपाय है। आप हर शुक्रवार को आपके संबल के हिसाब से 100 रुपया के हो कि 50 रुपया के हो कि 10 रुपया के हो कि जो भी आपके बल संबल है आपका हिसाब से, आप पनीर ले आइए। पनीर ले आके आप उसको कौवे को खिलाइए, इससे आपका शुक्र और शनि मिलता है, उससे आपका केतु का आपका उच्च हो जाता है। और केतु ऐसा जड़ से है कि आपका जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देता है, उसमें से आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा और व्यापार में वृद्धि, धन संपत्ति, लग्जरियस चीज आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आप सब चीज को मेरा बताने के हिसाब से करेंगे तो फिर आपको बहुत सारे फायदा मिलेगा। वो जो पांचवा उपाय लास्ट उपाय मैं बोल रहा हूँ,
इसमें से आप करेंगे तो फिर शुक्र के साथ भी राहु और केतु ये दोनों भी आपका ठीक होता है, अच्छा हो जाता है। जिनके कुंडली में राहु केतु अच्छा नहीं है उसके साथ भी ये राहु केतु भी आपको अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देता है। ये प्रभाव आपको बहुत जीवन में फायदा देगा। ये सब महा उपाय को आप समझ जाएंगे तो फिर अच्छा है, नहीं तो बार बार इसी को रिपीट करके देखिए, समझिए, उसके बाद उसको आपको काम में इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। इसी के साथ मेरा ये शुक्र का प्रभाव कैसे मिलेगा आपको बता दिया हो, उसको आप इसी हिसाब से व्यवहार कीजिए। और मेरा चैनल मेक योर लाइफ बेटर को आपको लाइक करना है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके दोस्त को भी ये वीडियो को शेयर कीजिए, जाकि आपको दोस्तों को भी इसको फ़ायदा मिलेगा। इसी के हिसाब से आप कीजिए तो आपको भी फायदा मिलेगा, उनके दोस्तों को भी फायदा मिलेगा। इसी के साथ मेरा वीडियो को आज विराम दे रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।